नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल मिस्टर में। यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ दोस्तों एक ऐसी टेक्नोलॉजी कंपनी की जिसके Q3 के नंबर्स आने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। और कल इसके Q3 के नंबर आएंगे तो उससे पहले निवेशकों को क्या करना चाहिए, एनालिस्ट को क्या मानना है, एस्टिमेट क्या है, और HCL टेक्नोलॉजीज के लिए कौन से वो टेक लेवल है यानी टेक्निकल लेवल है जहां के टूटने के बाद आप देखेंगे कि स्टॉक में एक बड़ी गिरावट आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों थोड़ा सा वीडियो मुझे लगता है 7-8 मिनट का होगा, बने रहिएगा, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबा दें, वीडियो अच्छी लगती हो लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो अब विदाउट वेस्ट टाइम सीधा लेके चलता हूं शेयर प्राइस की तरफ। देखिए HCL Technologies Limited, जी हाँ दोस्तों HCL Technologies Limited आज लगभग आधे प्रतिशत की आपको ये गिरावट दिखा रहा है दोस्तों। और आपको बता दूं कल यानी कि 12 जनवरी को दोस्तों इसके Q2 के नंबर आएंगे, Q3 के नंबर आएंगे दोस्तों। तो इससे पहले कैसे रहेंगे नंबर, उससे पहले मैं आपको बता दूं टेक्निकल लेवल। देखिए स्टॉक लगातार 1050 को अपना सपोर्ट देता हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों, और 1030 से दोस्तों लेकर के 1050 ये वो लेवल है दोस्तों 20 रुपए का, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों। ये जो एक 20 रुपए है ना दोस्तों, अगर ये टूटेंगे तो फिर गिरावट वो आप कह सकते हैं और भी ज्यादा हो सकती है, ठीक है। और मैं अगर आपको दिखाऊं दोस्तों, अगर पिछले एक साल से आप देखिए स्टॉक ने 21% से ज्यादा की गिरावट दिखाई है, ठीक, क्योंकि एक समय में दोस्तों लिक्विडिटी कारण कह सकते हैं यूफोरिया कारण स्टॉक बहुत ज्यादा भागे, लेकिन जब गिरावट हुई है दोस्तों आप देखें एक समय में ये गिरावट इतनी ज्यादा सीवियर थी 35% तक, जी हाँ दोस्तों 35% तक ये स्टॉक टूट चुका था। और वहां से आप देखेंगे तो स्टॉक ने एक शानदार रैली दिखाई लगभग 30% की, और अब आप देखें तो यहां समय व्यतीत कर रहा है दोस्तों, कहां पर, यहां पर, ठीक है। और देखिए ये जहां समय व्यतीत कर रहा है ना, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है दोस्तों इसका। और इसके बाद देखेंगे एक ये सपोर्ट, फिर ये सपोर्ट, ये दो चीजें हैं दोस्तों। तो पहला क्या है आप देखें इधर, ये कौन सा सपोर्ट है, ये है दोस्तों 1027 जो मैंने कहा था 1030, ये टूटता है ना दोस्तों ये, उसके बाद 930 से लेकर के 950 दोस्तों। और अल्टीमेट सपोर्ट HCL टेक का जो पिछले काफी समय से बना हुआ है वो है 890 दोस्तों, कितना 890, ये अगर टूटेगा ना दोस्तों ऑन द क्लोजिंग बेसिस, और एक तरीके टूटा तो है ये लेकिन कभी भी एक दिन सस्टेन नहीं कर पाया दोस्तों पूरा, इसीलिए 890 का लेवल हमें जरूर से जरूर इसको देखना है दोस्तों, ठीक है। अब चर्चा करते हैं कि भाई एनालिस्ट क्या कहते हैं Q2 के नंबर, Q3 के नंबर इसके कैसे रहेंगे। देखिए जो कल की मॉनिटरेबल्स रहने वाले हैं, मैनेजमेंट्स कमेंट्री ऑन न्यू डील रैंप अप कि भाई लगातार जो नए डील है वो कैसे हो रही है, आउटलुक ऑन फाइनेंशियल सर्विसेज एंड मैन्युफैक्चरिंग वर्टिकल, जो फाइनेंशियल सर्विसेज में आउटलुक होने वाला है और जो मैन्युफैक्चरिंग वर्टिकल है दोस्तों वो किस तरह से काम कर रहे हैं, वहां से किस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं, और अपडेट ऑन आउटलुक एंड मार्जिन फ्रॉम प्रोडक्ट एंड इंजीनियरिंग बिजनेस। दोस्तों मार्जिन और कह लीजिए जो आउटलुक है और जो मार्जिन है प्रोडक्ट और इंजीनियरिंग बिजनेस का वो किस तरह आने वाला है, और जो टोटल डील कॉन्ट्रैक्चुअल वैल्यू है वो किस तरह रहने वाली है, एट्रिशन रेट किस तरह की रहने वाले हैं, ठीक है। आप देखिए अब बात करते हैं कि भाई Q3 ऑफ फाइनेंशियल 23 में एस्टिमेट किस तरह के होने वाले हैं HCL टेक के बाय टॉप ब्रोकरेज हाउस। देखिए बात करूंगा मोतीलाल ओसवाल की दोस्तों, ठीक है, किसकी, मोतीलाल ओसवाल की। तो आप देखिए द ब्रोकरेज फर्म एक्सपेक्ट द आईटी मेजर टू रिपोर्ट 19.6% ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू ग्रोथ, 19.6% की ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू ग्रोथ दोस्तों, अप्रोक्सीमेटली 26,700 करोड़ रुपीस इन Q3 ऑफ फाइनेंशियल 23, ठीक है। रेवेन्यू ग्रोथ कितनी दोस्तों, लगभग 26,700 करोड़ की दोस्तों इन Q3 ऑफ फाइनेंशियल 23 फ्रॉम 22,300 करोड़ इन द प्रीसीडिंग क्वार्टर, ठीक है। आगे आप देखेंगे तो जो पैट है दोस्तों प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वो भी 13.2% की Q-on-Q इंप्रूवमेंट की बात कही जा रही है, अप्रोक्सीमेटली 4,000 करोड़। और जो थर्ड क्वार्टर ऑफ द फिस्कल ईयर इज सीजनली स्ट्रॉन्ग फॉर
PNP, while इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज लाइकली टू एड ग्रोथ फॉर द सर्विस सेगमेंट। ठीक है, तो जो थर्ड क्वार्टर होता है ना, जो फिजिकल ईयर है, वो सीजनली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है दोस्तों, खास करके इंजीनियरिंग रिसर्च और डेवलपमेंट, इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट ये ग्रोथ में बहुत ज्यादा कह सकते हैं आपको एड ऑन करते हैं। एंड इसे दोस्तों बाई रेटिंग शेयर की काउंटर में और 1280 का टारगेट दिया है। बात करें एक्सेस सिक्योरिटीज की, तो आप देखिए एनालिस्ट एंटिसिपेट रेवेन्यू ग्रोथ ऑफ 3.4% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। मोतीलाल ओसवाल जहां दोस्तों क्वार्टर ऑन क्वार्टर दर पे आप कह सकते हैं कि माफ कीजिए, मोतीलाल ओसवाल बोल रहा हूँ, एक्सिस सिक्योरिटी 3.4% की क्वार्टर ऑन क्वार्टर रेवेन्यू ग्रोथ की बात कह रहे हैं, लगभग 25,518 करोड़ की क्वार्टर थर्ड में, जो कि सेकेंड क्वार्टर में 24,686 थी, यानी आप कह सकते हैं मात्र 3.4% की वृद्धि आगे है। मॉडरेशन इन सप्लाई कॉन्स्टेंट इज एक्सपेक्टेड टू इम्प्रूव मार्जिन प्रोफाइल ऑफ द कंपनी बाय 53 बेसिस पॉइंट। दोस्तों जो सप्लाई इश्यूज थे ना, जो सप्लाई चैलेंज थे, वो काफी हद तक कम होते दिखाई देंगे और कंपनी की मार्जिन 53 बेसिस पॉइंट की इंप्रूवमेंट दिखाएगी क्वार्टर ऑन क्वार्टर टू 18.5% फ्रॉम 17.9%। मोर ओवर स्ट्रॉन्ग डील विंस आर लाइकली टू ग्रो पैट 5.2% टू 3,670 करोड़ फ्रॉम 3,489 करोड़ रुपीज। यानी आप कह सकते हैं कि जो सबसे बड़ा फोकस रहने वाला है वो मैनेजमेंट की कमेंट्री का है, और जो मार्जिन में काफी हद तक आप कह सकते हैं इस बार इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। मेन जो बाजार देखेगा दोस्तों, वो आने वाले समय में ऑर्डर बुक की आउटलुक, आने वाले समय में जो नई डील है वो किस तरह होने वाली है, और जो टोटल कॉन्ट्रैक्चुअल वैल्यू है वो क्या है, और एट्रिशन रेट क्या ठीक हुआ है, ये तमाम चीजें देखनी पड़ेंगी। तो दोस्तों कल देखेंगे कैसे होगा रिजल्ट। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यहाँ जरूर जरूर आपके साथ शेयर करेंगे। यहाँ तक जुड़े रहे इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।